तो आज जेडीयू विधायक दल की भी बैठक होगी, सुबह 10 बजे जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी। बैठक के बाद नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, शाम को 4 बजे हो सकता है शपथ ग्रहण। तो शाम को 4 बजे शपथ ग्रहण हो सकता है, आज बैठक होनी है 10 बजे, उसके बाद नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं और शाम को 4 बजे शपथ ग्रहण संभव हो सकता है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर। वही तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ कुमार फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। सौरभ, आज बैठकों का दौर होगा और आज ही फैसला संभव, क्या सियासी हलचल देख पा रहे हैं आप बिहार में? जी बिल्कुल, बिहार की राजनीति के लिए आज काफी अहम दिन है। सबसे बड़ी बात है कि आज 10 बजे सुबह जदयू विधायक दल की बैठक होगी और मुझे लगता है कि करीब एक घंटे के बाद या डेढ़ घंटे के बाद 11:30 बजे जदयू विधायक दल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन जाएंगे और अपना इस्तीफा सौंपेंगे। सबसे बड़ी बात है कि कल शाम में जो शाम चार बजे कल जो बीजेपी के विधायक दल की बैठक हुई थी, उसमें तमाम जो बीजेपी के विधायक थे सभी से समर्थन पत्र जो है वह ले लिया गया है और रात में ही बीजेपी के कुछ बड़े नेता जो हैं वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री आवास जाकर उनसे मुलाकात की है और उनको बीजेपी का जो समर्थन पत्र है उनको दे दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो बिहार प्रभारी है विनोद ताबड़े, वो कल रात करीब 9 बजे के आसपास वो राजभवन गए थे, राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात किया था और राज्यपाल के साथ उन्होंने डिनर भी किया था। तो सारी चीजें लगभग तय हो चुकी है, आज केवल औपचारिकता बचा है। सबसे पहले नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और उसके बाद बीजेपी के साथ जो समर्थन पत्र है वह राज्यपाल को देंगे, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और संभवतः आज शाम 4 बजे नीतीश कुमार नवीं बार बिहार के बतौर मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करेंगे। और ऐसी भी उम्मीद जताई जा रही है कि इस शपथ ग्रहण में गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हो सकते हैं। जी जी सौरभ, जैसा कि आप बता रहे हैं सब कुछ तय हो चुका है, औपचारिक ऐलान बस होना है और आज नौवीं बार शपथ लेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।